विद्या किचन मैजिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं नॉर्थ कर्नाटका का एक स्पेशल एंड डिफरेंट डिश बता रही हूँ, वो है खारपूरी और पुठणा दाल चटनी। तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले इसका पेस्ट हमें बनाना है, उसके लिए हमें सामग्री चाहिए। मैंने 8-10 हरी मिर्ची लिया है और 6-7 लहसुन के पीसेस लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, ये है बड़ी सौंफ, आमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाले तो चलता है, लेकिन इसके बदले में आपको इमली डालना पड़ेगा। ये है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा, थोड़ा सा हल्दी डालिएगा, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, ये बड़ी सौंफ है, ये मेन है, मैंने हल्का सा भून के इसको पाउडर बना के रखा है, ये भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ा सा हींग भी मिलाइएगा। ये देखिए हमारा पेस्ट कुछ इस तरह बन जाएगा। ये देखिए मैंने 3 कप बेसन लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी और टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डालती हूँ। अब मैं ये चटनी भी डालूंगी, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तब भी डालिएगा, नहीं तो तेल ही इसमें मिक्स कराना है हमें। 3-4 चम्मच तेल भी डालूंगी, जितना तेल में इसको मिक्स करेंगे उतना ही ये टेस्टी बनता है दोस्तों। वही रोज़ रोज़ पूरी खा के बोर हो जाएंगे तो ऐसा पूरियाँ बनाएंगे तो सबको अच्छा भी लगेगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ये। अब इसको हम 15 या 20 मिनट तक या आधा घंटे तक भी आप इसको रख सकते हैं ढक के। अब ये सेट होने तक हम इसका आटा भी, पूरी का आटा भी बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बाउल बड़े बाउल से आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हो या दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो, और मैंने 1 कटोरी बारीक रवा लिया है। अब इसको भी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच तेल भी डालेंगे हम। पहले आटा और रवा को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे पानी डालेंगे इसमें। ज़्यादा हार्ड मत बनाइएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया, अब हम इसको ढक के रख देंगे ये सेट होने तक। इसका चटनी हम बना के तैयार करेंगे। इसका चटनी बनाने के लिए हमें पुठणा दाल चाहिए ऐसा, इसको हमें पहले पाउडर बना के लेना है। ये देखिए हमारा पाउडर ऐसा बन जाएगा। 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने को रखेंगे, जीरा और सरसों डालेंगे, लंबा सा कटा हुआ मिर्ची डालेंगे, अब हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई 2 प्याज ले रही हूँ, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगे ना तब हम टमाटर इसमें डाल देंगे। ये अपना नॉर्थ कर्नाटका का स्पेशल चटनी है ये, इसको बेटकेरी चटनी भी बोलते हैं। 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। ये चटनी को आप पराठा या थाली पीठ के साथ भी खा सकते हो, थाली पीठ के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। अब हम इसमें 1 बड़ा टमाटर बारीक कटी हुई डाल रही हूँ मैं। अब इसमें और टेस्ट लाने के लिए हमें शक्कर डालना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप शक्कर डालोगे उतना ही ये टेस्टी बनता है। अब मैं एक क्वांटिटी को मैं 3 चम्मच शक्कर डालूंगी, 5 से 6 मिनट तक इसको पकने दे देंगे ऐसे ही। अब देखिए हमारा चटनी का तड़का बनके तैयार है।
अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम में पुठाना पाउडर कभी भी मत डालिए दोस्तों, नहीं तो ये पूरा इसका टेस्ट निकल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तड़का ठंडा हो चुका है, अब इसमें मैं पहले ऐसे पाउडर बना के रखा था ना वो मिलाती हूँ मैं, और ऐसे धीरे से पानी मिलाइएगा। इसको थोड़ा सा खट्टापन चाहिए आपको अगर, तो आप इसमें 2 या 3 चम्मच दही भी डाल सकते हो। कुछ इस तरह हमें थिकनेस चाहिए। अब हमारा चटनी बनके तैयार है, हमारा आटा भी अच्छा सा सेट हो चुका है, मैंने तेल भी गरम करने के लिए रखा है। इतना मैं लोइया तोड़ के बना के दिखाती हूँ आपको, गूंध लेंगे, उसके बाद हम छोटे छोटे इसको लोइया तोड़ देंगे। अगर तेल चाहिए तो तेल लगा सकते हैं, नहीं तो चावल का आटा लगा सकते हैं, या आप ना सादा अपना गेहूं का आटा भी लगा के इसको बेल सकते हैं। मैं तो इसको तेल लगा के बेलूंगी। तेल लगा के बेलने से क्या होता है, ये तेल बहुत पकड़ता नहीं है, ड्राई दिखेगा आपको। धीरे से डालेंगे हम, ये देखिए ऐसा कलर होना चाहिए हमें। खारपूरी और पुठणा चटनी बनके तैयार है।